माय चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग और मैं हूँ रिचा। तो अभी अभी मैंने वीडियो पोस्ट करी है, कल था सावन का लास्ट सोमवार। तो हम सावन के समय हमेशा जाते हैं पताल भैरवी माता जी के मंदिर जल चढ़ाने के लिए। तो इस बार तो सावन 2 महीने का था बट हम एक बार भी नहीं जा पाए थे, तो बार का छोटा सा ब्लॉग बनाया था तो वो जस्ट मैंने अभी पोस्ट किया है। तो गाइस जो भी मेरा आज का ब्लॉग देख रहे हैं और कल का ब्लॉग उन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा कल का ब्लॉग। तो गाइस कल है राखी और इस बार ऐसा हो रहा है ना कि मुहूर्त ही कुछ रात का हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम 30 को मनाने वाले हैं या 31 को मनाने वाले हैं, तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है। बट हम जब भी मनाएं मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी राखी का भी ब्लॉग। और गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे घर में ना कुछ नया आया हुआ है और वो नया क्या आया है ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस नया आया हुआ है ये प्लांट हमारे घर पे, आप देख सकते हो कि ये गैलरी में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और आप देख सकते हो नीचे वो अशोक ट्री, मैंने यहाँ पे 2 अशोक ट्री लगा दिया है, एक इस साइड पे और दूसरा इस साइड पे। अशोक ट्री होती है ना उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो वो गेट के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने 2 अशोक ट्री गेट के दोनों साइड पे लगा दिया है और एक ये वाला प्लांट आया है जो कि गैलरी पे रखा हुआ है और एक और प्लांट है जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो वो प्लांट मैंने ऊपर रखा, तो गाइज वो प्लांट है ये, इसमें शायद फूल उगेंगे। और गाइज यहाँ पर है मेरी तुलसी माता जी। तो गाइज जैसे मैं ऊपर आई यहाँ पर बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि जस्ट अभी ही बारिश होनी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर सारी बूंदे। ये अचानक से ही बारिश स्टार्ट हो गई, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर धूप थी। मैं आपको नीचे गैलरी से दिखाती हूँ बारिश। जैसे मैं नीचे आई बारिश बहुत ज्यादा हल्की हो गई है, अब से एक एक बूंद गिर रही है। आज मुझे बनानी है खिचड़ी क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है क्योंकि उनको जुकाम हो गया है। वो कल उन्होंने बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी पी लिया था रात में तो इसीलिए उनको सर्दी खांसी हो गई है, तो उनका खाना खाने का ज़्यादा मन नहीं है तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी ही बना देना। तो आज मैं हम दोनों के लिए बनाने वाली हूँ खिचड़ी। वैसे तो हम ज़्यादा खिचड़ी नहीं खाते बट तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी खिचड़ी खाना भी चाहिए क्योंकि वो भी हेल्दी ही होती है। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि गैलरी का लुक अभी कैसा लग रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रिचेश मेरा ब्लॉग। बाय गाइस, कल के ब्लॉग में मिलते हैं।